बॉलीवुड में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अभिनेत्री अमृता राव लखनऊ में थे। इस दौरान जहां एक तरफ नवाज ने लखनऊ में अपने पुराने दिनों के बारे में बात की, तो वहीं अमृता ने अपनी फिल्म ठाकरे के किरदार के बारे में बताया। हमारे साथ इस वक्त अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव हैं। आप दोनों का लखनऊ में बेहद स्वागत है, और क्योंकि आप लोग लखनऊ में हैं तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? हाँ, जहाँ देखो ऐसे नज़ारे हैं, इतनी जगह है यहाँ पे, ऐसा खुलापन मुंबई में दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसा सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखाई देते और कुछ दिखाई नहीं देता मुंबई में। आप तो लखनऊ के में एक समय गुजार चुके हैं, तो आपके हिसाब से लखनऊ आना आपके लिए कैसा अनुभव रहता है? लखनऊ तो मेरे लिए ऐसा रहता है जैसे मैं अपने घर पे आया हूँ, क्योंकि यहीं से मैंने सीखा एक्टिंग की शुरुआत, ट्रेनिंग की मैंने यहीं सीखी, 2 साल रहा मैं। और आज जो अमृता जी बोल रही हैं कि कैसा खुलापन है, हर जगह कितना खूबसूरती है, अगर ये उस वक्त होती जब मैं था यहाँ पे 91-92 में, तो यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत था। और यहाँ पे 2-4-5 घर बने हुए थे कॉलोनी गोमती नगर में जब मैं रहता था 2 में, तो वहाँ पे एक्टिंग की शुरुआत की और सीखा वहाँ से। अब जैसे कि बाला साहब ठाकरे की लोकप्रियता काफी रही है, तो उसको कैरेक्टर निभाते वक्त क्या कोई प्रेशर रहा कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा कुछ? देखिए, नर्वसनेस तो ऑफकोर्स होती है, और नर्वसनेस ऐसी होती है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है, बहुत ही डायमेंशन से, बहुत ही स्टाइलिश कैरेक्टर थे वो, जो सिगार भी पीते थे तो उसे एक स्टाइल होता था उनका। अचानक से आपको बहुत ही गंभीर मिला है ऐसा कैरेक्टर, तो ऐसा निभाने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ी पहले से, या फिर आप प्री प्लान थी कि ऐसा कैरेक्टर मिल सकता है? एक्चुअली हाँ, गंभीर नहीं कहूँगी मैं, मगर एक मैच्योरिटी थी उस जमाने की औरतों में, और मुझे पता था कि मैं एक ऐसे जोन में जा रही हूँ जहाँ पे पहली फ्रेम में 4-5 साल के 3 बच्चे हैं, और ऐसा एज ग्रुप अपनाना, फिर वहाँ से 40, 50 और 60 साल की उम्र तक नजर आना फिल्म में, तो एक थोड़ा सा एक ऐसा था डर में कि अरे बाप रे, ऑडियंस को ये ना लगे, क्योंकि मेकअप टीम ने ऐसा कमाल का काम किया कि मतलब वाकई ऐसे लगता था वो मैच्योरिटी और वो मतलब वो एज तो लगता था कि बाप रे, मतलब मैं जब 60 इयर्स की अवतार में जब मैं आई तो नवाज जी ने हेलो भी नहीं कहा, उन्होंने पहचाना भी नहीं। ये थे हमारे साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव, फिल्म ठाकरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं और चाहते हैं कि सभी उसको देखें भी और सराहें भी। ETV से रमांश मिश्रा।